गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम है और मेरा काम किचन से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं एक साइड में चाय चढ़ा रख दी हूँ बनने के लिए और सब्जी बना ले रही हूँ एक साइड में। सब्जी में मैं आलू और लौकी की बना रही हूँ और इसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए पराठा बना लूँगी। और बीच में बारिश से रुक गई थी लेकिन वापस से स्टार्ट हो गई है बारिश। तो मतलब सुबह में ऐसे लगता है कि बस सोए रहो, उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। 7 बजे तक तो अंधेरा ही रहता है और उठना तो है। बच्चों का पेपर भी स्टार्ट हो गया है तो बिल्कुल भी स्कूल में मिस नहीं करवा सकते। और मैं फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद फिर अपने को उठाना है, तैयार भी करवाना है उसको क्योंकि आज उसका पेपर भी है। तो चलो मैं जल्दी से बना लेती हूँ। और लौकी की सब्ज़ी बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, उनको पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसे मिर्ची डाल के बनाऊँगी। ये हमारे लिए ही है। और सब्ज़ी में बहुत कम मसाले के साथ ही बनाऊँगी, इसमें बस ऊपर से लहसुन प्याज और हरी मिर्ची डालकर बना रही हूँ। और मसाले में बस हल्दी पाउडर है और धनिया पाउडर, बस इतना ही डालूँगी। थोड़ा टमाटर डाल के मैं इसको बनाऊँगी। और बच्चों के लिए मैं चीज़ पराठा बना रही हूँ क्योंकि अवनी का डिमांड था कि मुझे आज चीज़ पराठा चाहिए लंच बॉक्स में। तो उसके लिए और आयुष दोनों के लिए ही मैं चीज़ पराठा बना रही हूँ। और वीडियो में बहुत दिन के बाद डाल रही हूँ क्योंकि बीच में मेरा मन ही नहीं हो रहा था कुछ भी करने का। थोड़ा मतलब ऐसे जो काम की वजह से और पता नहीं क्यों थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी, तो मेरा बिल्कुल ऐसे मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाओ या कुछ भी। तो आज मैं थोड़ा बहुत डाल रही हूँ। और एक और भी परेशानी है कि मेरा ध्यान भी पूरा अपने मतलब घर पर ही है, ससुराल पर, क्योंकि जो जेठानी वहाँ हैं घर में वो टेरेस पे गिर गई हैं और गिरने की वजह से उनका हाथ में दो जगह ऐसे मतलब फ्रैक्चर हो गया है उनका हाथ। और उनके पास कोई है नहीं, जो बड़ी वाली दीदी थी वहाँ वो भी आ गई हैं। तो और ये सब ऐसे टाइम पे हुआ है कि मैं चाह कर भी जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि यहाँ भी बच्चों का पेपर चल रहा है और मतलब छुट्टी मिल नहीं रही है। तो मेरा यहाँ भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वहाँ भी जाना ज़रूरी है क्योंकि मैं आयुष को भी छोड़ नहीं सकती। ये भी इतना बड़ा नहीं है कि सब कुछ खुद संभाल सके, मेरे जाने के नाम से ये परेशान हो रहा है, रो रहा है। तो मतलब होता है ना कि ना मैं यहाँ रह पा रही हूँ अच्छे से और ना मेरा ध्यान वहाँ से हट रहा है। तो मैं प्लीज़ आप सभी प्रे कीजिए ताकि दीदी जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ और आयुष का एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हम लोग फिर जाएँगे वहाँ पर। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद हम लोग आ गए हैं। आज बहुत ज़्यादा बारिश तेज हो रही है तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई, बस उनको छोड़ा कैसे भी। और मैं पूरी तरह से भीग भी गई थी क्योंकि छाता मैं गाड़ी में ही छोड़ दी थी और ऐसे ही निकल गई थी बाहर क्योंकि स्कूल के पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और वहाँ पे गाड़ी मतलब लगा के रुकने नहीं देते। तो मैं जल्दी से ऐसे ही उतर गई मेरा छाता लिए, तो भीग गई हूँ और अभी जाकर मैं चेंज करूँगी उसके बाद फिर। और सच में मौसम को देखते हुए आज पकौड़ा खाने का मन कर रहा था
तो मैं ये मूंग दाल का बना रही हूँ जो गांव से आया था। जब पिताजी आए थे तो बहुत सारा दाल लेकर आए थे वहाँ से, जिसमें अरहर का दाल था, मूंग का दाल है और उड़द का दाल है। तो घर का दाल मतलब इसका अच्छा टेस्ट आ जाता है, इसके पकोड़े बनाओ तो बहुत सिंपल वे में बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैं थोड़ा दर दरा सा ही इसको पीस कर बना रही हूँ, जो बहुत टेस्टी बना है। और अपनी स्कूल से आ गई है और उसको आजकल रोज ही पेंट करने का भूत सवार है। तो ये मटका पड़ा हुआ था, मतलब हांडी है ये, जो बिरयानी के साथ आया था। तो फिर मैं उसको बोली कि तुमको करना है तो इसमें ही कर लो, ताकि तुम्हारा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। फिर मैं इसमें कुछ देखती हूँ, कुछ अगर बन पाया तो मैं कोई डिजाइन बना दूंगी, ताकि इंडोर प्लांट इसमें मैं डाल के रख सकूँ। और अपने को बहुत मज़ा आ रहा है, वो उसमें ही लगी हुई है करने में। जब सोसाइटी में डांस कंपटीशन हुआ था, उसमें अवनी बहुत सारा पेंट जीती हुई थी, उसको कलरिंग का बहुत सारा सामान मिला था। तो वो आए दिन स्कूल से आती है और लेकर बैठ जाती है, तो मैं भी छोड़ देती हूँ, चलो जैसे टाइम पास करना है कर लो, बस मोबाइल मत देखो, टीवी से थोड़ा दूर रहो। और प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, और मिलती हूँ मैं आप सबसे एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग के साथ। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।